लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दिमाग में उथल पुथल होना, किसी की नजरों में खटकना, गुस्से में घूरना, नींद में बड़बड़ाना, कुछ ऐसी बातों की इंग्लिश आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उसने अचानक कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। जैसे भाई पहले तो वो कह रही थी कि मैं खाना खाऊंगी, फिर अचानक उसने कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। शी सडनली सेड दैट शी वुडन्ट ईट फूड। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्टली हम बता रहे हैं कि उसने क्या कहा था। यहाँ पर आपने नरेशन पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता होगा कि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम यहाँ पर वुड का यूज करते हैं, ना कि विल का यूज करते हैं। शी सडनली सेड, यहाँ पर सडनली एक एडवर्ब का काम कर रहा है। उसने कहा, क्या कहा? सडनली कहा, उसने अचानक से कहा दैट कि शी वुडन्ट ईट फूड, वो खाना नहीं खाएगी। आपको अगर इंग्लिश को अच्छे से बोलना सीखना है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस जरूर करनी है और एक टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आइए मेरे पीछे बोलिए, शी सडनली सेड दैट शी वुडन्ट ईट फूड। अब आप बोलिए, दैट्स राइट। मैं उस टाइम बहुत ना समझ था। I was very naive that time. Naive कौन होता है? वो भोला भाला इंसान होता है ना, जो बेचारा ना समझ होता है, उसे ढंग से किसी चीज के बारे में पता नहीं होता, उसे naive कहते हैं। I was very naive that time. That time यानी उस समय। तो आप रिपीट कीजिए, I was very naive that time. Right. ऐसे ना समझ होना ना बहुत खतरनाक होता है। ऐसे भोले भाले तो कभी भी नहीं बनना चाहिए। Being naive is very dangerous. I think you know that. मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। I found this very strange. यहाँ पर found का यूज किस तरीके से हो रहा है? जब आपको कोई चीज किसी जैसी लगती है, कुछ लगती है ना, तब हम इस तरीके से found का यूज करते हैं। I found this very strange. मुझे ये बहुत अजीब लगा। जैसे आप बोलिए, मुझे वो मूवी बहुत अजीब लगी। I found that movie very strange. बोलिए, I found this very strange. बोलिए, I found this very strange. मुझे बहुत अजीब लगी। वैसे ही मुझे खाना बहुत टेस्टी लगा। I found this food very tasty. मुझे वो मूवी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। I didn't find that movie interesting. इस तरीके से आप अलग अलग कई सेंटेंसेस जरूर बनाना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। इतने कम पैसे होने पर भी मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। Even with little money, I fulfill all your desires. तो यहाँ पर even का यूज हो रहा है। Even with little money, यानी बहुत कम पैसों के बावजूद, बहुत कम पैसे हैं फिर भी। जब सिर्फ little आता है ना, तब इसका मतलब होता है ना के बराबर, जब आप किसी की amount की बात कर रहे हैं। A little का मतलब होता है यानी थोड़ी सी amount है, यहाँ पर सिर्फ little है। Even with little money, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर पैसे हैं उसके बावजूद, I fulfill, मैं पूरी करता हूँ all your desires. मेरे बात सेंटेंस दोहराना, Even with little money, I fulfill all your desires. Very good. Friends, if you want to use this word even in your sentences correctly, make sure to watch a video in which I have taught how to use this word correctly. You will find the link to that video in this description. Tu mujhe hamesha akela kyu chhod deta hai? Why do you always leave me alone? Why do you always leave me alone? Boliye, why do you always leave me alone? Right. वो रात में 11 बजे घर आया। He came home at 11 p.m. अब इसमें ना कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि came at home क्यों नहीं हो सकता, He came at home क्यों नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आखिर वो कौन सा रूल है जिसकी वजह से हम यहाँ पर टू नहीं लगाते, जबकि कम के बाद तो हमेशा टू आता है। जैसे कि आई केम टू माई रूम, ही वेंट टू हिज हाउस, जैसे वेंट के साथ भी टू आता है, लेकिन होम जब आता है तो उसके पहले टू नहीं आता। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि होम ना एक नाउन नहीं है, जबकि एक एडवर्ब है। ही केम होम यानी कि वो घर आ गया। ही केम वेयर, कहाँ आ गया वो? वेयर का जवाब देने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। ही केम वेयर, ही केम होम। होम एक एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, और एडवर्ब से पहले हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। जैसे कि वो यहाँ आया, ही केम हेयर, तो हम ही केम टू हेयर नहीं लगाते ना, वैसे ही केम होम, ना कि ही केम टू होम। लगता है आप समझ गए होंगे अब इसका मतलब। जो रूल यहाँ पर काम कर रहा है ना, वही गो के साथ भी करता है। कई लोग बोलते हुए आपने सुने होंगे, आई एम गोइंग होम, ऐसा मत बोलिए आई एम गोइंग टू होम, इसलिए क्योंकि होम एक नाउन का काम नहीं कर रहा वहाँ पे, बल्कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब से पहले आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है।
तो हमने भी सेंटेंस बनाया है कि वो रात में 11 बजे घर आया, और ये भी उसके लिए जल्दी था। इसका मतलब वो तो और भी लेट लेट आता, 2 बजे आता, 3 बजे आता, 11 बजे भी उसके लिए जल्दी था। इस बात को हम कैसे कहेंगे? इवन दिस वॉज टू सून फॉर हिम। बोलिए, इवन दिस वॉज टू सून फॉर हिम। वेरी गुड, इवन दिस वॉज टू सून फॉर हिम। तुम उसकी जगह नहीं ले सकते, यू कांट टेक हिज प्लेस। तो यहां पर मॉडल है कांट, तुम नहीं कर सकते कुछ, इसके लिए हम कांट का यूज करेंगे। जब हमें बोलना होता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हम कांट का यूज करते हैं। यू कांट टेक हिज प्लेस, यानी तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। बोलिए, यू कांट टेक हिज प्लेस। वेल डन। मुझे लगा मैं फंस गया, मुझे लगा मैं फंस गया। आई फेल्ट लाइक आई वॉज स्टक। तो स्टक का मतलब होता है फंस जाना। हो सकता है आप ट्रैफिक में फंस गए हो, या हो सकता है सचमुच में ही आप किसी छोटी सी जगह से बाहर निकल रहे थे, उसमें फंस गए। तो फिजिकली स्टक होना भी स्टक होना होता है, और हो सकता है आप किसी क्वेश्चन के आंसर में आप स्टक रह गए हैं कि आंसर ही नहीं निकल रहा है। तो स्टक का फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है मीनिंग। आई फेल्ट लाइक, यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई वॉज स्टक, कि मैं फंस गया। Friends, have you ever thought that you are stuck somewhere? If you have, make sure to tell me in the comments. हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, कई बार हमें ऐसे बोलना होता है। हम कहेंगे we live under the same roof. The same roof का मतलब है, same roof का मतलब है एक ही छत के नीचे हम रहते हैं। यहाँ पर ये present indefinite है, इसलिए live की base form आई है, ना कि lives, ना कि living, कुछ भी नहीं, सिर्फ live. We live under the same roof, यानी कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैं उसकी नज़रों में हमेशा खटकता हूँ। कई बार ऐसे होता है, खटकने का मतलब क्या है, यानी ना उसको ना मुझसे कोई परेशानी है, मुझसे कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें हम कह सकते हैं ही ऑलवेज हैज अ ग्रज अगेंस्ट मी, ही ऑलवेज हैज अ ग्रज अगेंस्ट मी। तो ग्रज का मतलब होता है कोई किसी से दुश्मनी होना, या कोई नफरत होना, आपके मन के अंदर घृणा होना किसी के लिए, उसको बोलते हैं ग्रज। तो मतलब यही बन रहा है ना हमारा हिंदी का, कि नजरों में खटकना। ही ऑलवेज हैज अ ग्रज अगेंस्ट मी। फ्रेंड्स, इस खटकने से ना मुझे याद आया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मुझे याद है एक टीचर की नजरों में ना मैं बहुत खटकता था। किसी और को खड़ा करे ना करे, मुझे जरूर खड़ा करते थे वो, कि चल बता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, चल बता अभी भी मैंने क्या समझाया है। बड़ा ही यार, बहुत याद आता है मुझे वो टाइम। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी उनको, उनकी नजरों में मैं खटकता था। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वो नींद में बड़बड़ा रही थी, ऐसा कई बार होता है, कई लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं शी वॉज मम्बलिंग इन हर स्लीप। तो मम्बलिंग का मतलब होता है से समथिंग क्वाइटली एंड नॉट एट ऑल क्लियरली, यानी किसी चीज़ को बहुत धीरे धीरे से बोलना, यानी कि साफ साफ नहीं बोलना। तो उसके लिए हम मम्बल का यूज़ कर सकते हैं। शी वॉज मम्बलिंग पास्ट कंटिन्यूस है, यानी अपनी नींद में वो मम्बल कर रही थी। मैं ऐसी बातों से पक गया हूँ, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब आप एक ही तरह की बात किसी से करते रहते हैं, वैसी ही बातचीत कर करके ना आप पक गए हैं। तो बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ सच कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। किसी भी टॉपिक पर आप बातचीत कर रहे हैं, मतलब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी ऐसे कन्वर्सेशन से मैं टायर्ड ऑफ हो गया हूँ, पक गया हूँ, थक गया हूँ। उसने गुस्से से मुझे घूरा। शी ग्लेयर्ड एट मी, शी गेव मी अ ग्लेयर। अब आप देखिए, ग्लेयर का मतलब होता है स्टेयर इन एन एंग्री वे, और स्टेयर का मतलब घूरना होता है, लेकिन इन एन एंग्री वे, यानी गुस्से से जब घूरा जाता है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक और वर्ड होता है इंग्लिश में, ग्लेयर। और देखिए मैंने दो सेंटेंसेस क्यों लिखे, क्योंकि इसको ना इन दोनों ही तरीकों से बोला जा सकता है। यहाँ पर तो ग्लेयर एक वर्ब का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है। शी गेव मी अ ग्लेयर, क्योंकि जो ये ए है ये तो एक आर्टिकल है ना, आपको शायद पता होगा आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले ही आता है। शी गेव मी अ ग्लेयर, यानी उसने मुझे एक ग्लेयर दिया, यानी एक ऐसा लुक दिया गुस्से वाला। और यहाँ पर तो ग्लेयर अपने आप ही एक वर्ब का काम कर रहा है, शी ग्लेयर्ड मी, इसलिए सिंपल पास्ट होने की वजह से इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, शी ग्लेयर्ड एट मी। आप सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे ना, तो आप इस तरह के न जाने कितने सेंटेंसेस बना सकेंगे, और आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकेंगे, जिसे लोग कहते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना। तुझे बस पैसा उड़ाना आता है, कई बार हम किसी को ऐसे शिकायत करते हुए बोलते हैं, तुझे क्या, तुझे तो बस पैसा उड़ाना आता है। यू आर ओनली गुड एट स्पेंडिंग मनी, यानी कि तुझे तो बस पैसा खर्च करना आता है, पैसा उड़ाना आता है। अब देखिए हिंदी में हम कई तरीकों से बोलते हैं, वैसे ही एक बात को इंग्लिश में भी कई तरीकों से कहा जा सकता है। हो सकता है एक बात को कहने का तरीका आपके पास शायद कोई और हो, और हो सकता है वो भी ठीक हो। तो आप कभी भी ऐसे कन्फ्यूज मत होना कि नहीं यार ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हो सकता है वैसे भी बोल सकते हो। अब एक बात को कई तरीकों से बोला जा सकता है। तूने उससे शादी करके गलती कर दी। अब किसी को हम ऐसे कह रहे हैं कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके, हम कहेंगे यू वर रॉन्ग टू मैरी हर,
या फिर यू मेड अ मिस्टेक बाय मैरिंग हर। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया रॉन्ग का, यू आर रॉन्ग, यानी तुम गलत थे किस चीज़ में, टू मैरी हर, कि तुमने उससे शादी करी, उससे शादी करी ना, इस बात में तुम रॉन्ग थे। अब इसी रॉन्ग का काम इसने कर दिया, मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती कर दी, क्या करके, बाय मैरिंग हर, उससे शादी करके। उसने मुझे चुप रहने की सलाह दी। अब मैं उससे कुछ एडवाइस मांगने गया था, उसने तो मुझे बोला बस चुप रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। ही एडवाइज्ड मी टू स्टे काम, काम का मतलब शांत यानी कि चुपचाप। उसने मुझे सलाह दी शांत रहने की। यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर एस आया हुआ है, एडवाइज्ड। आपको याद रखना है कि एडवाइस जिसमें सी होता है वो एक नाउन होता है, जबकि एस वाला जो एडवाइस होता है वो एक वर्ब होता है। तो यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए, इसलिए हमने एस वाले एडवाइस का यूज़ किया है। ही एडवाइज्ड मी टू स्टे काम, यानी उसने मुझे एडवाइस किया शांत रहने के लिए, यानी उसने मुझे चुप रहने की सलाह दी। मेरे दिमाग में उथल पुथल हो गई। ऐसा हम कब कहते हैं? जब हम किसी चीज़ में बहुत कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, हमें लगता है यार ये क्या हो गया, आपका दिमाग चकरा जाता है, उथल पुथल हो गई दिमाग में। माई माइंड वॉज इन टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन और लैक ऑफ ऑर्डर, यानी बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन का माहौल होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की जो स्टेट होती है उसे कहते हैं टर्मोइल, या फिर जो हंगामा हो रहा होता है, लैक ऑफ ऑर्डर होता है, उसे भी टर्मोइल कहा जाता है। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन की बात कर रहा है, माइंड में कन्फ्यूजन है, यानी कि माइंड में उथल पुथल हो गई है। तो हमारी हिंदी की इस बात का अच्छे से हम मतलब बना पा रहे हैं इस इंग्लिश में। If you want to keep improving your English like this, if you want to keep learning how to translate such sentences which we use in our everyday life, so make sure to subscribe to this channel if you haven't subscribed to this yet. Make sure to subscribe to this channel and give it a thumbs up if you really liked it. I will keep uploading such useful and knowledgeable videos for you in the future and you will get a video every day. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.